आज का प्रातः क्लास है 29 अगस्त 1968 गुरुवार। ओम शांति का अर्थ बाप ने समझाया अच्छी तरह से। क्या अच्छी तरह से समझाया? कि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसके मुकरर रथ में निराकार शिव बाप प्रवेश करते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट बजाता है। इसलिए कहा जाता है आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महेश। तीनों का सम्मिलित पार्ट माने शंकर का पार्ट, त्रिमूर्ति शिव का पार्ट। बाकी शिव की मूर्ति तो होती नहीं, वो तो अमूर्त है। वो मूर्तिमान में प्रवेश करता है। तो जहां मिलिट्री खड़ी रहती है तो वहां तो ओम शांति का अर्थ अलग हुआ। पीछे वो आकर के कहते हैं अटेंशन। तुम बच्चों ने कभी सुना है अटेंशन? तो तुमको किस बात पर अटेंशन देना है? है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो अटेंशन, ये भी रूहानी मिलिट्री है ना। अभी उन लोगों का तो बिचारों का टेंशन मना भाई साइलेंस, और तुमको बाप कहते हैं अटेंशन। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, रूहानी स्टेज में आ जाओ। और जब रूहानी स्टेज में आएंगे तो बाप को याद, बाप की याद आएगी। तो कहते हैं आत्मिक स्टेज में हो और बाप की याद में हो, कि बार बार बोलना पड़ता है, नहीं तो ये बार बार बोलने से भी दूर होना चाहिए। क्योंकि तुमको बनना है नरसी नारायण जैसा देवता। देवता तो इशारे से ही समझ जाते हैं, रूहानी दृष्टि से बाप ने देखा और अटेंशन। तो ये तो बच्चों को अभी मिला हुआ है लेसन। किस बात का पहला लेसन? कि हम सब आत्माएं हैं, लेकिन जो लेसन मिला है कि पहले पहले जब यहां बैठते हो, अच्छा कोई जगह में नहीं भी बैठते हैं, नहीं कोई जानते हैं कुछ, तो अटेंशन। तो अटेंशन सिर्फ कोई यहां बाप के सामने नहीं रखना है, नहीं, जहां कहीं भी दुनिया में जाओ, रहो, घूमो फिरो दौड़ो, अटेंशन, मैं आत्मा। तो उसका अर्थ ही है अटेंशन, बाप की याद में हो। क्योंकि ये है बेड़ा पार का डायरेक्शन के अटेंशन। बाप की याद में रहना है तो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाओ, अटेंशन। क्योंकि बाप का डायरेक्शन मिलता है ना, तुम आत्मा हो।
श्री मत है, इससे जास्ती श्रेष्ठ मत और कोई दे ही नहीं सकता, सारी दुनिया में नहीं दे सकता। तो ये डायरेक्शन मिलता है। तो श्रीमत क्या कहती है, अभी आत्मा को भी तुम बच्चों ने पहचाना और आत्मा के बाप परमात्मा को भी तुम बच्चों ने पहचाना। और परम पाटधारी हीरो पाटधारी के भी बाप को तुम बच्चों ने जाना। अभी फिर क्या, अरे पहचान लिया कि ये हीरो पाटधारी है और ये हीरो पाटधारी का भी बाप है, बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं। तो ये आत्मिक टेंशन के बाद फिर होता है कि भाई बिगर अटेंशन तुम विकर्माजीत या सतो प्रधान नहीं बन सकते हो, और सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो प्योरिटी पाए नहीं सकते हो। एवर प्योर परमपिता परमात्मा के पास ही एवर प्योरिटी है ना। तो देखो ये मूल चीज है पवित्रता। तो कहेंगे अटेंशन प्लीज बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चों, अपन को आत्मा समझे अटेंशन यानी बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, प्योरिटी आएगी आत्मा में, है ना। और पवित्र बनते रहेंगे, मूतपलीति बनते रहेंगे, चाहे कर्म इंद्रियों से, चाहे वाचा से, चाहे वाइब्रेशन से। अब ये तो हैं सारी अभी की बातें, फिर वो दुनिया वाले तो वो तो उन्होंने जैसे अज्ञान काल मिलिट्री वगैरह में ले गए, भले वो भी जिस्मानी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो। वो जो कहते हैं ना अंडरग्राउंड मिलिट्री, उनकी तो जिस्मानी अंडरग्राउंड, मिट्टी में चले जाते हैं जमीन के अंदर, और तुम तो मिट्टी से बाहर आ जाते हो आत्मिक स्थिति में, कि देह की मिट्टी में रहते हो है नहीं। तो तुम भी जैसे अंडरग्राउंड मिलिट्री हो है, यानी एकदम देह रूपी मिट्टी में भ्रकुटी के अंदर। यो तमंग है ना, उत्तमंग माथा, उसमें ये भ्रकुटी है। कैसी कुटी, भरी पूरी कुटी का नाम है भ्रकुटी। तो तुम उसमें बैठे हो, कोई देखे तो जान थोड़ा ही सकता है ये आत्मिक स्थिति में है या देहभान में है। इन आंखों से देखने से पता चलेगा नहीं, यानी कोई अंडरग्राउंड, कोई धरती के नीचे कोई नहीं जाते हैं, तुम आत्मा है। यानी तुम तो गुम हो जाते हैं। और वो लोग देह को छुपाए देते हैं अंडरग्राउंड में, मिलिट्री वाले, उनको कहा जाता है अंडरग्राउंड। और तुम क्या होते हो,
अरे तुम तो ज्योतिबिंदु आत्मा हो ना, तुम भी गुम हो जाते हो। कहां गुम हो जाते हो? अरे बाप की याद में लीन हो जाते हो। तो गुम हो गए ना, कोई क्या जाने किसकी याद में गया है? देह के संबंधियों की याद में गया, देह के पदार्थों की याद में गया, कोई जानेगा? कुछ है नहीं जान सकता। ये सही बातें हैं ना, तो इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड, यानी कोई ना कोई भी दुनिया में कोई भी पहचान नहीं सके तुम्हारी आत्मिक स्टेज को, कोई भी समझ नहीं सकता इन बातों को, क्योंकि इनका अग्निटो का अर्थ तो बाबा ने समझाया ही है कि तुम गुप्त हो। वो तो शरीर को गुप्त कर देते हैं, तो हवाई जहाज उड़ता रहे उन्हें पता ही नहीं चलता मिलिट्री कहाँ है, पता चलता है नहीं। तो तुम गुप्त हो, देखो तुम्हारी याद बाप की कितनी गुप्त हो जाती है। दुनिया में तो कोई बाप को जानते ही नहीं है। तुम बच्चों ने भी जिन्होंने प्राइमरी नॉलेज ही ली है, बेसिक नॉलेज ली है, वो भी बाप को नहीं जानते। जानते हैं है? वो भी बाप को नहीं जानते कि वो बाप टीचर भी है, है? बाप भी है और सदगुरु भी है। तीनों पार्ट इकट्ठे एक व्यक्तित्व से बजाता है। तो तुम कितने गुप्त? उन लोगों को तो कुछ न कुछ मुख चलता ही रहेगा, भक्ति मार्ग वालों को और वो देव जिस्मानी मिलिट्री को, ऐसे ऐसे मुख चलता ही रहेगा। जो कुछ भी करेगा सो चलेगा। तुम बाजू में बैठेंगे तो भी उनका मुख चलता रहेगा, राम 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 राम, नहीं तो अंदर से जपते रहेंगे राम राम राम। मानसिक जाप कहते हैं ना, तो ये क्या है? और बाप तो सिर्फ इतना ही कहते हैं, बच्चों अटेंशन, आत्मिक स्थिति में आ जाओ ताकि तुम बाप को याद कर सको, क्योंकि बाप जानते हैं कि बाप को याद करने से इन विचारों का ऐसे कहेंगे ना, अभी तो तुमको विचार ही कहेंगे ना है? शंकर को भी बाबा ने क्या कहा? देखो त्रिमूर्ति के चित्र में देखो, बेचारा शंकर ठिठोरा हुआ बैठा है ठंड में, बेचारा हुआ ना है? जो आत्मिक स्थिति में होगा, पक्का बन जाएगा, तो उसकी सर्दी गर्मी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो अभी तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसी का ये हालत है, तो तुमको भी क्या कहेंगे, बेचारे कहेंगे या नहीं कहेंगे? जब बाप ही बेचारा तो बच्चे भी बाप के बच्चे बेचारे। स्वर्ग में तो ये सब बातें होती नहीं है। क्या? क्यों? कि वहां तो सब आत्मिक स्थिति में होंगे, कोई देवान में होगा नहीं, तो वहां बेचारे तो देवताएं हो ही नहीं सकते। बेचारे कहा जाता है जो कहां बेचारे कोई बंधनों में फंसा हुआ होता है। ये दुनिया का वातावरण है ना, सर्दी गर्मी का, तो उसमें सारी दुनिया के प्राणी मात्र फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए? तो ये तो तुम बच्चे समझ गए हो अभी, कब ही पुरुषोत्तम संग में। और तुम्हारे सिवाय जो इस पुरुषोत्तम संगम युग को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं,
इतना नहीं समझते हैं जितना तुम समझते हो, और तुम भी एक जैसा नहीं समझते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। बेसमझ को हमेशा कहा जाता है, अरे तुम तो जैसे कोई भैंस बुद्धि हो। तो बाप भी तो तुमको ऐसे कहेंगे ना, तो नहीं अटेंशन देंगे। बच्चे कहेंगे हम बाप को याद करेंगे, क्योंकि बाप ने आगे भी समझाया है बच्चों को कि मीठे बच्चे तुमको तो लाइट हाउस भी कहा जाता है। एक जैसे लाइट हाउस कि उनमें लाइट नंबरवार होती है, नंबरवार लाइट हाउस। किस बात की लाइट हाउस? ज्ञान की रोशनी लाइट हाउस बन करके तुम सारी दुनिया में चारों दिशाओं में फेंकते हो कि नहीं? हाँ फेंकते हो। तो तुमको भी लाइट हाउस नंबरवार कहेंगे, और बाप को भी अब्बल नंबर लाइट हाउस कहेंगे। तुम लाइट हाउस सब बच्चों ने देखा है, कोई भी ऐसा होगा शायद है लाइट हाउस का रूप रंग न देखा हो। वो जो वो स्टीमर आता है ना, है सागर में से होता हुआ, फिर वो लाइट हाउस की बत्ती चारों ओर फिरती रहती है, फिरती है ना, ऐसे दिखलाते हैं कि भाई वो इस तरफ से हो करके जाओ, क्या हाँ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इस तरफ से जाओ तो कोई दूसरी जगह में जा करके पहाड़ से न लटक जाए, टकरा जाए, नहीं तो समंदर में बर्फ के पहाड़ भी तैरते हैं कि नहीं? अगर दो पहाड़ों के बीच में कोई स्टीमर आ जाए तो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा ना। तो बताया उथला पानी हो, कहां मिट्टी हो सागर में, जिसमें जानवर फंस जावे है? बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, सील व्हेल मछली कितनी बड़ी बड़ी होती है। तो और जैसे ऐसे जमीन में फंस जाते हैं जानवर, और फिर वो मिट्टी में मुश्किलात भी हो जाती है उनका निकलना, इसलिए लाइट हाउस रखते हैं कि भाई कोई इधर उधर न फंस जावे। तो ये भी फंसी आत्मा मिट्टी में सब फंसे हुए हैं ना, सारी दुनिया की प्राणी मात्र की आत्मा। तो देखो बाप भी तो लाइट हाउस है ना, भी क्यों लगाई दिया है? दो बाप है ना, हाँ तो बताया ऐसे नहीं कि सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉडफादर जो हेवन का रास्ता बताने वाला है वो ही लाइट हाउस है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी बड़े से बड़ा लाइट हाउस है ना। बाप समझाते हैं, एक आंख में रखो, वो आंख ऐसे फिरती है ना दो जगह इधर उधर है, तो यहां से बंदर, फिर यहां से बंदर, घड़ी 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 इस बंदर का उस बंदर का। तो बाप भी तो घड़ी घड़ी समझाते हैं ना, मीठे बच्चों एक आंख में रखो शांति धाम, और दूसरी आंख में रखो सुख धाम।
ये तुम आत्मा के दो एवरलास्टिंग बंदरगाह हैं। कहाँ जाना है? या तो शांति धाम जाना है या तो सुख धाम जाना है। पहले शांति धाम जाना है। अब ये रास्ता, क्योंकि चैतन्य लाइट हाउस हो तभी तो बाप कहते हैं ना बच्चे, उठते बैठते घूमते फिरते तुमको क्या काम करना है? अरे औरों को रास्ता बताना है। रोज रोज बाप समझाते हैं कि औरों को बता देंगे तो अपना भी पक्का हो जाएगा। क्या आत्मिक स्थिति में रहो, बाप को याद करो, औरों को भी समझावेंगे तो तुम्हारा भी स्थिति पक्की हो जाएगी। कि भाई शांति धाम का रास्ता सबको बताना है और सुख धाम का रास्ता भी बताना है। 29/8/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज तीसरी लाइन। ये दुखधाम में आकर के ये नैया अटक पड़ी है। क्या है? जब तक सुखधाम में थे, सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में थे, तो वहां आत्मा की स्थिति में पक्के रहते थे ना। है ये आत्मा की शरीर रूपी नैया क्या अटक गई? क्या है? नहीं, अभी तो देखो अटक पड़ी है और सब की अटक पड़ी है ना बच्ची। तभी तो कहते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। तो किसे कहेंगे नैया? ये शरीर कहो, नैया कहो, अब बड़ी नाव होती है तो जहाज कहो, बहुत बड़ा नाज है नाव है तो उसको शास्त्रों में चंद्रकांत वेदांत जहाज नाम दिया है ना। तो अभी जो नैया अटक पड़ी है और सबकी नैया फंसी पड़ी है एकदम, अभी इसको सैलवेज कौन करे? कोई होगा सैलवेज करने वाला है या नहीं? कौन है इस नैया को सैलवेज करने वाला? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं शिव बाबा। तो तुम्हारा नाम सेल्वेशन आर्मी हो जाता है इस दुनिया में। तो वो तो कोई सेल्वेशन आर्मी है थोड़े ही है जो सारी दुनिया के प्राणियों को सेल्वेज करती हो। नहीं, वो तो ऐसे ही नाम रख दिया है सेल्वेशन आर्मी। नहीं तो सेल्वेशन आर्मी भी तुम बच्चे हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाले, और तुमको तो दुनिया के हर प्राणी मात्र को सेल्वेज करना है। हरेक की आत्मा की ये शरीर रूपी नैया अटक पड़ी है सभी की। तो तुम सेल्वेशन आर्मी हो, सेल्वेज करते हो। ओम शांति।